हे गाइस, मैं राहुल। हम बात करेंगे आज भारत के पहले विक्टोरिया क्रॉस विनर की। ये बात सन 1914 की है, जब पूरी दुनिया के बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अगस्त 1914 में भारत से पहली 39वीं गढ़वाल और दूसरी 49वीं गढ़वाल राइफल की दो बटालियन को प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया। अक्टूबर में पहुंची दोनों गढ़वाल राइफल की बटालियन को भीषण ठंड में जर्मनी के द्वारा कब्जे किए गए फ्रांस के कुछ हिस्सों को खाली करवाने का कार्य दिया गया। 23 और 24 नवंबर को 1914 की मध्य रात्रि को हमला कर जर्मनी से सुबह होने तक पूरा इलाका खाली करा लिया गया। जिस कार्य को पूरे विश्व की बड़ी से बड़ी सेना नहीं कर पाई, उसको दरबार सिंह नेगी जी की सेना ने रातों रात कर दिखाया। युद्ध में दरबार जी के अदम्य साहस को देखकर किंग जॉर्ज फिफ्थ ने 5 दिसंबर 1914 को ही युद्ध के मैदान में पहुंचकर उनको विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया। साथ ही साथ उनकी वीरता के कारण गढ़वाल राइफल को बैटल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड इन फ्रांस का खिताब दिया गया। 1924 में उन्होंने समय से पहले ही स्वैच्छिक रिटायरमेंट तो ले लिया, लेकिन आज भी उनकी याद में लेंसडाउन में एक संग्रहालय स्थित है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको दरबार सिंह नेगी और भारत के पहले विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड विनर के बारे में सही जानकारी मिल पाई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो कीजिएगा, साथ ही साथ अपने कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।